Hello students, today we will know about the pronoun. You all know pronoun kya hai? Sarvanam. And we all know the definition of pronoun. Pronoun is a word which used in place of noun. Pronoun wo words hote hain jo noun ke sthan par prayog kiye jate hain. To chaliye dekhte hain. Definition of pronoun is a word used in place of noun, यानी जितने भी नाम हैं उनकी जगहों पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. एंड हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटेशन. और दूसरी चीज क्या है इसके बारे में कि प्रोनाउन जो होते हैं वो रिपीटेशन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कि एक सेंटेंस है उसमें एक नाम दो बार तीन बार चार बार अगर आता है तो उस रिपीटेशन को कम करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. तो आइए देखते हैं. Pronoun is a word used in place of noun and help to avoid repetition. For example, Golu is fat. तो गोलू के स्थान पर गोलू इज अ नाउन. तो गोलू के स्थान पर जगह पर हमने क्या यूज किया? He is fat. ये क्या हो गया? Pronoun. गोलू इज अ नेम, ये हो गया नाउन. नेक्स्ट है रवि asks मीरा इफ मीरा want रवि's bag. अब यहाँ पर एक ही नाउन वन टू थ्री एंड फोर चार बार रिपीटेशन हुआ नाउन का. तो उस रिपीटेशन को कम करने के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया देखते हैं. रवि आस्क्स मीरा इफ शी, ये नाउन है, इफ शी वांट्स हिज बैग. रवि, रवीज की जगह हमने हिज यूज किया प्रोनाउन, शी प्रोनाउन और ये दो हमारे नाउन. तो यहां पर क्या हुआ? नाउन का रिपीटेशन कम हो गया. यहां हमारा नाउन चार बार यूज हो रहा है, इसमें हमारा नाउन दो बार यूज हुआ. यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन कम करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट. दीज आर द सिंगुलर नाउन. ये सिंगुलर नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर प्रोनाउन में ही यूज किए जाते हैं. सिंगुलर प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं. एंड यू, वी, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल नाउन के साथ ही यूज होते हैं प्रोनाउन. मयूर इज डांसिंग. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. मयूर इज डांसिंग. मयूर क्योंकि केवल एक नाम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन की जगह हमने क्या यूज किया? ही इज डांसिंग. प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं. बॉयज आर प्लेइंग. बॉयज क्या है? प्लूरल. तो क्या इसकी जगह कौन सा नाउन यूज होगा? दे आर प्लेइंग. तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रोनाउन था. आई थिंक आप समझ गए होंगे. मेन चीज इसमें क्या है कि द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन एंड हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को कम करने में हेल्प करते हैं. और दो तरह के होते हैं, सिंगुलर जो एक नाम के साथ आते हैं, प्लूरल जो बहुत सारे नाम के साथ यूज होते हैं वो प्लूरल होते हैं. थैंक यू.